नमस्ते, आज हम आपको अगले हफ्ते की मार्केट आउटलुक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे। जुट रहे हैं हमारे साथ श्री इमरान वोरा, वीपी इक्विटी रिसर्च। नमस्कार दोस्तों, करंट वीक में हमने देखा कि निफ्टी 12,968 के मार्क पे क्लोज हुआ है विद अ वीकली गेन ऑफ ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स, या तो परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 0.85%। करंट वीक में हमने देखा कि मार्केट ने एक नया न्यू लाइफ टाइम हाई एस्टेब्लिश किया है 13,145 के लेवल पे और पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है, जबकि गेंस बहुत माइनर है। अब टेक्निकल्स की बात करें तो करंट वीकली चार्ट पे एज वेल एज डेली चार्ट पे, दोनों चार्ट पे डोजी पैटर्न के साथ मार्केट क्लोज हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में इनडिसिजिवनेस है, स्पेसिफिकली तेजी और मंदी वालों के बीच में, यानी कि ट्रेंड को लेके एक कन्फ्यूजन है कि किस डायरेक्शन में नेक्स्ट न्यू अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो। डेली चार्ट्स की बात करें तो नीचे के लेवल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 12,790 पे है और उसके नीचे 12,730 पे है। 12,730 अगर ब्रीच होता है तो नीचे में मेजर करेक्शन डीपन होगा और इस सिनेरियो के अंदर मार्केट 12,475 तक भी गिर सकता है। हायर साइड की बात करें तो मेजर सप्लाई जोन 13,145 है और उसके ऊपर 13,220 है। शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडर्स को हमारी ये एडवाइस है कि 12,730 के स्टॉप लॉस से अपनी सारी लॉन्ग पोजिशंस खड़ी रखें और पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करें। आने वाले वीक के लिए हमने दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें पोटेंशियल है ब्रॉडर इंडाइसिस को आउट परफॉर्म करने का। पहला स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 412 है। करंट मार्केट प्राइस ये या तो स्लाइटली डिक्लाइन 408 पे इसको बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 450। ये स्टॉक्स पे 390 का स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है BHEL भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 32.85 रुपीज़ है। करंट मार्केट प्राइस या तो 32 रुपीज़ की स्लाइड डिक्लाइन पे आप इसको बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 40 रुपीज़। ये स्टॉक के लिए आपकी लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपीज़। सो धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। थैंक यू वेरी मच।